गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपने चैनल विवाहस लाइफ में। होप करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। और देखिए सुबह का बज रहा है, 5:30-6 हो रहा है और ये मेरे घर के पास में ही खेत है। इसमें जोंधरी बोया है तो इसमें ना ये साग है, बहुत ज़्यादा साग लगा है। इसको हम लोग नोनिया का साग बोलते हैं, अब आप लोग पता नहीं, इसको पथरी भी बोलते हैं। और इस साग का भुजिया बनता है और इसमें कुछ पड़ता नहीं है ज़्यादा, बस लहसुन मिर्चा और खड़ौरी से इसको मतलब तड़का लगाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वाद। तो हम बहुत दिन से देख रहे थे ये साग है पूरा, देखिए ऐसा होता है, ये चौड़ा चौड़ा पत्ती एकदम नरम नरम है। तो हम कहे आज तो बनाएंगे, सोनी से बोले आज मेरा यहीं साग बनाइएगा, तो वहीं बोली हैं कि ले आइए खोट के बनाते हैं। तो ये देखिए पूरे खेत में ये बहुत ज़्यादा लगा है साग, बहुत है। गांव में यहीं सब तो है, अच्छा एकदम हरा हरा खाने को मिलता है, ताज़ा ताज़ा, जब मर्जी खेत से निकालो और खाओ। ये रेणुकूट में भी बिकता है, हम देखे हैं इसको, लेकिन हम लोग के गांव में भी होता है। ये देखिए पूरे खेत में है, जो बोया गया है वो कम जमा है और ये नहीं बोया गया था तो ये अपने आप से ही जमता है। तो ये देखिए मतलब जमता है का मतलब उगता है खेत में अपने आप से ही, इसका बीज नहीं लगाना पड़ता। तो ये देखिए ये हम ले आए हैं, इसको अच्छे से धुल के सोनी काट रही हैं, इसको एकदम महीन महीन पहसुल से काट रही हैं, वो चाकू से नई साग काटती हैं, पहसल से काटती हैं। तो अभी इसको एकदम बारीक बारीक काटेंगी, ये देखिए, और बहुत ही मस्त टेस्टी टेस्टी इसका भुजिया बनाएंगी। तो ये फ्रेंड हम उनको दे करके चले गए थे, द्वार पे बैठे थे, आज बहुत ही मस्त हवा चल रहा है। तो ये देखिए भुजिया बना दी है मेरा, देखिए बहुत ही मस्त इसका खुशबू ना, आहा क्या मस्त आ रहा है और स्वाद भी मस्त है खाने में। और आज का सब्जी है आलू बैंगन पालक का है ये सब्जी, लोहे के कढ़ाई में बना है इसलिए थोड़ा कलर आपको काला काला दिख रहा है। तो अभी इसको रखते हैं और चल के नहा के आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। खाना सब तैयार है, बस रोटी बनाना है, आटा लगा के रखी हैं। और इधर बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोग का स्कूल अभी खुलने वाला था लेकिन फिर से बढ़ गया, 2 बार हो गया डेट बढ़ते, अभी 2 तक शायद छुट्टी है। और आज का मौसम आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत ही मस्त है एकदम मौसम, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, एकदम बादल हैं, बारिश तो नहीं हो रहा है, कल से ही ऐसा मौसम है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ही अच्छा एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो बस अब चल रहे हैं नहाएंगे खाएंगे उसके बाद खेलेंगे लूडो। तो फ्रेंड्स ये दोनों लोग का हो रहा है लूडो और जो जीतेगा वो 500 रुपया लेगा हारने वाले से। और अभी हार रही है प्रज्ञा, नहीं प्रज्ञा हार रहे हैं हम, हाँ। चेहरा इनका दिखने लायक देखिए तो ये क्या हो गया, इतना सीरियस होकर खेल रही है, सीरियस होकर नहीं खेल जीत रहे हैं लेकिन रो रहे हैं जो हारते हैं अच्छा जो हारते हैं वो लोते रहते थे हम बनता भाई। अब इन लोग का हो रहा है तू पौधा। अब ये लोग जो जीतेगा हम बाद में बताएंगे कौन जीता और पार्टी कौन दिया आखिरी पॉइंट। मैं तो हारूंगा तो कोई बात नहीं है, हारने में भी जो मजा है। आप तो हार ही रहे, दोबारा कहां हारेंगे, हार गए हैं। अरे तो कहां, हार गई तो गेम है भैया, हारेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं तो क्या रोएंगे। हाँ अभी कौन जीता बताओ, ए जीत गई आई सी कैन भी ना है। हाँ तो एक 500 तो के देती हूँ तू, 500 एक बार बस एक दिन ही ना, 500 आई देखा ये लड़ाई हो तो लूडो के अबे मन पापा मम्मी कहाँ से इलन बाजी तू लोग लगावा था। पांच सौ ये सुबह का चाचा जी
रो रही है, देखिए 500 के पैर पकड़ रही है। चलो अच्छा क्या बात है, लो लो हमारे भैया ले आना। अरे बाप रे, 500 फर्स्ट 500 दे दो, हम दे देंगे। अरे पहले 500 दे दीजिए जो। हाँ हाँ, सुबह में बाजी लगाई। ये देखिए ये सुबह का 500 ये हारी है। अभी 500 जीत गई। नहीं अभी जीत गई है। अब देखिए फाइट होगा, फाइट होगा। 500 दबा, 500 दबा, रिकॉर्ड दबा, पहले दबाओ 500 रुपया, पहले उधारी 500 रुपया मार दे, पहले तू कह देगा कि राही हार गई 500 रुपया। देख लो इन लोग का, इन लोग का मम्मी बिटिया देखिया, कहिया हमारे 500 रुपया, कहिया हमारे बिटिया 500 बदे। मम्मी कसम खा के कहा था कि 500 नहीं हारा ले सुबह का, हम छोड़ दे। हम भाई जयसवार है, हम अपने वसूलों के पक्के। ए मन जयसवार थरिया और चंदन कहां से आया भैया? हमारा 500 रुपए नहीं, नहीं दीदी हम अन्याय नहीं कर रहे। ऐसा है ये चंदनऊ लोगों का हाल है, हारने पर 500 रुपए नहीं देते और 500 पहले तू ला। हाँ तो 500 दे देंगे भाई, पहले आप दीजिए, पहले आप हारी। ये हम गवाह है, सुबह का आप हारी है, सुबह जो 500 हारी हो हम लेकर आ रहे हैं। हम भी लेकर आएंगे, जा रही है पैसा लेने, लेकर आइए सामने। देखिए देखिए पैसा दिखाओ भाई, दिखाइए। ये मेरे जेब में से आया है भैया, ये मेरे जेब में से आया है, मेरे हुआ है। वही मेरा पैसा ला के मेरा ही पैसा मेरे जेब में से है। अरे हमारे आयो नेल पॉलिश लिया, पोते के पैसा न मिली रहा। अपने सामने अपने इमेज निकाल दे तब दे, ये हमारा पैसा निकाल के हमें दे दे। दीदी तू कितना पैसा लाती है? सो फ्रेंड्स, लूडो खेलने के बाद सबको लगा था भूख, तो अभी बन रहा है मेरे यहाँ नाश्ता आलू और आटे का। ये इस आटे को अच्छे से एकदम छान ली है, उसमें फिर मैन दी है, थोड़ा नमक डाली है, थोड़ा रिफाइंड, उसको मैन देने के बाद गूँथ ली है। और ये है आलू जो कि फ्राई किया हुआ है, जैसे समोसे का आलू फ्राई करते हैं उस तरीके से। और ये आटे का चौकोर काट करके चौकोर ये से इसका पैकेट बनाई है, तो बहुत ही टेस्टी बना था ये नाश्ता। और ये देखिए इसको चौकोर चौकोर बेला नहीं गया है, काटा गया है। ये देखिए सोनी काट रही हैं ऐसे थोड़ा सा, इसको थोड़ा लंबे में बेल करके इसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगी। उसके बाद इस पे आलू रख के इसका पैकेट बना के इसको फ्राई करेंगी, बहुत ही टेस्टी। आज लूडो खेलने में मज़ा आया, पहले हम लोग खेल रहे थे, फिर बरखू का और प्रज्ञा का होने लगा, हम बोले बनाते हैं वीडियो इन लोग का, बड़ा ही अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो ये पैकेट है, देखिए आटे के चारों तरफ थोड़ा सा आटा पानी में मिक्स करके उसको लगा दिए हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद एक फोक ले करके काटे वाला चम्मच उससे चारों तरफ से इसको दबा दिए हैं, क्योंकि मतलब ये अच्छे से पैक हो जाए, ये रिफाइन में डालने पर आलू बाहर ना निकले। तो बस इसको करेंगे फ्राई, उसके बाद होगा नाश्ता। तो फ्रेंड्स हम ये कह रहे थे आप लोग वीडियो एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। गांव का माहौल है, गांव में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस टाइम तो मौसम भी ठंडा हो रखा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मौसम है अभी गांव का। तो इसको देखिए अलट पलट करके इसको दोनों तरफ से पका लेंगे अच्छे से,
और ये तैयार हो गया आलू का पैकेट। उसके बाद ये बाहर जाएगा, नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हवा में बैठेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोग हवा में हवा लेकर के लाइव आए थे। लाइव आने के बाद मेरी थाली तैयार है। तो आज शाम के थाली में है सेवई, पूड़ी, आलू परवल का सब्जी और ये चावल फ्राई है और उसके बाद सलाद है। तो ये है रात की थाली। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नए हैं मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब करके अभी मेरे परिवार में शामिल हो जाइए। मिलते हैं आप लोगों से कैसे ही अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।